सपने तो सभी देखते हैं, कुछ सपने याद रहते हैं और कुछ सपने व्यक्ति भूल जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार प्रत्येक सपने में एक अर्थ छिपा होता है। सपने अच्छे और सपने शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सपने ज्योतिष का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए बताते हैं आपको कुछ सामान्य सपनों और उनके अर्थ के बारे में। बता दें आपको कि सपने में घोड़ा देखना ज्यादातर एक अच्छा शगुन माना जाता है। यदि आप खुद को घोड़े की सवारी करते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपका जीवन खुशहाल है और किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। यदि आप अपने आप को तेज दौड़ते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आप बिना किसी समस्या का सामना किए अपनी सभी समस्याओं का हल जल्दी खोज लेंगे। बता दें आपको कि सपने में बच्चे को देखने के कई अर्थ होते हैं। सपने में एक रोता हुआ बच्चा देखने का अर्थ है कि आपका जीवन निराशाओं में तब्दील हो सकता है। यह आपके प्रेम जीवन में संघर्ष का संकेत दे सकता है। एक बच्चा जो सपनों में चलना सीख रहा है तो ये आपके जीवन में ताकत और हिम्मत का संकेत देता है। बता दें आपको कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार कपड़ों के बारे में सपने देखने के भी अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप नए कपड़े पहन रहे हैं तो ये आपके उज्जवल भविष्य की ओर संकेत है। यदि आप अपने कपड़े सुखा रहे हैं तो ये परिवर्तन का संकेत देता है। यदि आप सपने में फटे हुए कपड़े देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको प्रेम जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। बता दें आपको कि पानी के बारे में ज्यादातर सपने शुभ माने जाते हैं। यदि आप सपने में पानी गिरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको व्यवसाय में लाभ मिलेगा। यदि आप सपने में पानी पीते हैं तो आपको कर्ज में दिया हुआ धन वापस मिलेगा। यदि आप खुद को पानी पर चलते हुए देखते हैं तो ये बड़ी सफलता की ओर संकेत है। बता दें आपको कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में हरे और स्वस्थ वृक्ष को देखना सुख और समृद्धि को दर्शाता है। हालांकि एक पौधा या एक मृत पेड़ असफलता का संकेत दे सकता है, वहीं पीले रंग का पेड़ इस बात का संकेत देता है कि आपके परिवार में कोई बीमार पड़ने वाला है। यदि आप खुद को पेड़ से फल तोड़ते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ है कि भविष्य में आपको बुजुर्गों से विरासत मिल सकती है। बता दें आपको कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपने दोस्तों और परिवार को सामान्य रूप से गले लगाना बहुत शुभ संकेत नहीं माना जाता है। ये परिवार में किसी की बीमारी का संकेत होता है। सपने में अपने जीवन साथी को गले लगाना एक दूसरे के साथ झगड़े और असहमति का संकेत दे सकता है। हालांकि यदि आपका जीवन खुशी से व्यतीत हो रहा है तो आपको ऐसे सपनों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बता दें आपको कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपने आप को एक पैच बता दें आपको कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में अपने आप को एक बाल्टी के माध्यम से कुएं से पानी भरते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपने जीवन में ईमानदारी से धन अर्जित किया है। यदि आप सपने में खुद को पानी के बजाय बाल्टी में बैठे हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि एक प्राकृतिक आपदा की वजह से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में खुद को जॉब खोते हुए देखना दुर्भाग्य का संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी जॉब या व्यवसाय में कुछ नुकसान हो सकता है। यदि आप सपने में किसी को रोजगार दे रहे हैं तो आप वास्तविक जीवन में एक विशेष अवसर खो सकते हैं। बता दें आपको कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में मृत शरीर देखना धन लाभ का संकेत दे सकता है। इसी प्रकार दूध पीना, किसी चीज में आग लगाना, अनार या आम खाना या सपने में कीड़े देखना इस बात का संकेत है कि आपको जल्द ही कुछ धन विरासत में मिल सकता है। सपने में डॉक्टर को देखना आमतौर पर शुभ माना जाता है। यह अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि का संकेत है। सपने में डॉक्टर से मिलने का मतलब है कि यदि आप किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं तो आप जल्द ही ठीक हो सकते हैं। सपने में खुद की सर्जरी देखना अच्छा होता है। ये लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या के अंत का संकेत हो सकता है। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट राइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।